Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अनसुलझी रहस्य इंसान जो बन जाते हैं भेड़िया। 1980 की बात है। आंध्र प्रदेश के खम्मा जिले में एक विचित्र घटना घटी। गांव की एक महिला एक दूसरी महिला के साथ जंगल में जलावन लेने गई। दोनों ने दोपहर से लेकर शाम तक जंगल में ढेर सारा जलावन इकट्ठा किया। उन्हें घर लौटते लौटते काफ़ी अंधेरा हो गया। अंधेरे में जब दोनों महिलाएं जलावन लेकर घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ती चली जा रही थीं, तो अचानक साथ चल रही दूसरी महिला ने नाक से कुछ सूंघने की हरकत की और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी, जहां हल्का हल्का चांद निकला था। पता नहीं यह देखकर उसकी साथ वाली महिला को क्या हुआ कि उसने जलावन का गट्ठर फेंक दिया। साथ चल रही महिला को लगा कि शायद अचानक उसकी सहेली की तबीयत खराब हो गई, अतः उसने उसके सिर पर मालिश करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने उसके हाथ को जोर से झटक दिया और चांद की तरफ देखकर विचित्र सा मुंह बनाने लगी। सहेली की हरकत से परेशान दूसरी महिला के खौफ और आश्चर्य का तब तक ठिकाना नहीं रहा जब तक उस महिला के शरीर में अचानक भेड़ियों की तरह लंबे लंबे बाल उग आए, नाखून बड़े हो गए और दांत जबड़े से बाहर निकल आए। अब वह एक जीते जागते भेड़िए में तब्दील हो गई थी। साथ वाली महिला चीखी और भागने की कोशिश की, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने उसे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगी। इस वाक्य को दूर खड़े एक आदमी ने देखा। वह देखकर इतना डर गया कि उसे अगले दिन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और एक हफ्ते बाद वह उस दहशत के चलते चल बसा। बेयर उल्फ यानी विचित्र इंसानी भेड़िए के बारे में एक से बढ़कर एक कहानियां प्रचलित हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह की कहानियां पर कोई गंभीर काम नहीं हुआ। किसी ने उन्हें लिखने और जांचने और उनकी वैज्ञानिक तफ्तीश करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन विदेश में ऐसा हुआ है। अप्रैल 1967 में बेनिस की एक युवती अपने रिश्तेदारों के यहाँ इंग्लैंड गई। उसके रिश्तेदार इंग्लैंड में मेरिनेट शायर के एक गांव में रहते थे। गांव बेहद खूबसूरत था। तनाव और ऊब से परेशान जब बेनिस की वह युवती ईमा अपने रिश्तेदार के गांव पहुंची, तो उसे वह बेहद पसंद आया। गांव बेहद खूबसूरत था। उसके चारों ओर दूर दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ फैली थीं। गांव के पास ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां पूरे दिन में सिर्फ दो बार ही रेलगाड़ियाँ आती थीं, एक सुबह 8 बजे और दूसरी 2 बजे। इन रेलगाड़ियों से भी यदा कदा ही कोई सवारी उतरती थी, नहीं तो पूरे समय रेलवे स्टेशन के आसपास हल्की हल्की हवा ही पेड़ों के पत्तों का संगीत बजाती रहती थी। उस युवती को यह सब इतना भाया कि वह पेंटिंग बनाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे उसने अपना ड्राइंग स्टैंड लगाया। उसमें बोर्ड फिट किया और कैनवास पर उस मनोरम दृश्य का चित्रित करने लगा। कल कब दोपहर ढली और कब शाम हो गई, उसे इसका पता ही नहीं चला। जब उसका ध्यान समय की तरफ गया, तब तक हल्का अंधेरा फैलने लगा था। उसने फटाफट अपना ड्राइंग बोर्ड उठाया और घर की तरफ चल दी। अभी वह कुछ ही दूरी चली थी कि उसने अपने सामान से एक अद्भुत जीव को आते हुए देखा। अभी वह कुछ ही दूर चली थी कि उसने अपने सामने से एक अद्भुत जीव को आते हुए देखा। उस विचित्र जीव का सिर तो भेड़िया जैसा था, लेकिन जिस्म इंसानों के जैसा था। उस विचित्र जीव को देखकर वह बेहद डर गई। वह तेजी से भागी, लेकिन उस विचित्र जीव ने उसका पीछा किया। वह भागकर एक बगीचे के किनारे झुरमुट में जा छुपी और वहीं से भेड़िए को देखने लगी। वह उसे खोज पाता है या नहीं। वह जहाँ छुपी थी वहाँ से उसे भेड़ियों की सिर्फ चमकती आँखें भर दिख रही थीं। भेड़िए नुमा उस जीव ने उसे देखा
और फिर उसकी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन आगे एक गहरा गड्ढा था। उसकी चालाकी से उस गड्ढे की तरफ भागने का नाटक किया और फिर सांस रोककर पीछे की तरफ झटके से एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई। भेड़िए नुमा वह जीव चकमा खा गया। वह गड्ढे में गिरने से बचने की कोशिश करता कि तब तक सामने से एक लोमड़ी आती दिख गई। वह लोमड़ी की तरफ दौड़ पड़ा और इस तरह उस युवती की जान बाल बाल बच गई। वह दौड़कर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंची और अपने साथ घटी घटना का पूरा वृतांत सुनाया। जीव वैज्ञानिकों ने इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से नकार रही है। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाओं के पीछे वेयर वुल्फ या विचित्र किस्म के इंसानी भेड़िया होते हैं। उनकी उत्पत्ति का रहस्य आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यदा कदा ऐसे विचित्र किस्म के भेड़िए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं। आखिर यह कौन है? क्या है भेड़िए की कोई प्रजाति है या फिर ये इंसान ही है जो किन्हीं कारणों से हुए शारीरिक परिवर्तन के चलते भेड़िए में बदल जाते हैं? अभी तक वैज्ञानिक इस संदर्भ में जिन निष्कर्षों तक पहुँचे हैं उनके मुताबिक कुछ लोग जिनका दिमाग विकृत होता है और शरीर में अजीब किस्म के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, स्वसम्मोहन विद्या से ऐसे विचित्र भेड़िए में बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक मनुष्य का मस्तिष्क एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है जो न सिर्फ विचार को प्रभावित करता है बल्कि आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन को भी उजागर करता है। दिमाग में जब हार्मोनल गड़बड़ी और भयावह कल्पनाशीलता का एक साथ हमला होता है तो कई किस्म की गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। इनमें से एक गड़बड़ी है जिसके तहत इंसान को लगने लगता है कि वह इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। वह अपने वजूद की सारी बातें भूल जाता है और एहसास करने लगता है कि वह भेड़िया ही है और फिर शुरू होता है एक ऐसा विचित्र शारीरिक परिवर्तन जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी ठीक ठाक यह बता पाने में असमर्थ है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसे लोग देखते ही देखते विचित्र किस्म के भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। उनमें सिर्फ भेड़ियों की जैसी भावनात्मक परिवर्तन ही नहीं होता बल्कि यह भेड़िए की ही तरह आवाज़ निकालने लगते हैं, खून पीने के लिए ललायत होते हैं और फिर भी इंसान पर मौका मिलते ही हमला बोल देते हैं। ऐसी गड़बड़ी के बाद कई बार देखने में यह आता है कि शरीर तो आदमी या औरत का बना रहता है लेकिन चेहरा भेड़िए का हो जाता है। उसमें होने वाला परिवर्तन बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.